अब हम बात करेंगे कपास की एक नहायत ही ज़र्रा सा कीड़ा गुलाबी सुंडी, जिसका कि कंट्रोल इंतहाई मुश्किल है। हम कंट्रोल की बात नहीं करते हमेशा, हम कहते हैं इसकी मैनेजमेंट वो हो सकती है, कंट्रोल इसका तकरीबन नामुमकिन है। हमारी कपास की फसल जो है 120 से 140 दिन की कपास है अगेती जो है, तो इसकी जो पहली जनरेशन थी वो तो तकरीबन गुजर चुकी है। अब सेकेंड जनरेशन इसकी वो कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर रिपोर्ट हुई है, तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसके लिए सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं ताकि आप उसको मॉनिटर कर सकें और रोज़ाना सुबह उसके वो जो मौत हैं वो कैच जितने हैं उनका वो काउंट करें। तो उसके साथ साथ जो रोज़ेट फ्लावर हैं जो दानीनुमा फूल बनते हैं कपास में उनको भी देखें। तो अगर उनके वो पांच आपको 25 पौधों पे पांच वो नज़र आते हैं तो आप उसके लिए स्प्रे ज़रूर करें, बल्कि इस वक्त तो हम ये कहते हैं कि उससे भी कम जो है जूँ ही वो आना शुरू हो पिंक बॉलवर्म तो आप स्प्रे करें। पिंक बॉलवर्म का जो स्प्रे है वो इस वक्त जो मौजूद है बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है, क्योंकि गुलाबी सुंडी है ये अपने अंडे जो सब्ज़ पत्तियाँ होती हैं उन पर देती है, और जब अंडे से बच्चा निकलता है सुंडी निकलती है तो आधे घंटे के अंदर अंदर डोडी में चली जाती है, तो यही वही एक क्रिटिकल वक्त होता है स्प्रे का। तो आप अपने मुतलका जो एरिया का महकमा ज़रात के अफसरान या फील्ड स्टाफ मौजूद है उनको चेक करवाएँ, उनसे मशवरा करें और उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो स्प्रे वो आपको कहते हैं वो करें। और साथ में अगर पीवी रोप्स किसी के पास हों तो वो ज़रूर लगा देने चाहिए थे 45-50 दिन की फसल पे, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदा मिल जाता है। इसी तरह अगर हम उनकी तादाद बढ़ा दें जो हम सेक्स फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं 10-12 फी एकड़ अगर हम लगा दें तो उससे भी बेहतर कंट्रोल हमें मिल जाता है। इस तरह लाइट ट्रैप्स हैं तो उसमें उनके परवाने आ सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं इसको मिनिमाइज़ करने की, कोशिश करें कि उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब।